मंगलवार 22 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह का जन्मदिन था। देश भर से उन्हें बधाइयां आ रही थी। कई प्रसिद्ध हस्तियों ने उन्हें शुभकामनाएं दी और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। हालांकि कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने राजनीतिक शिष्टाचार को ताक पर रखकर उन्हें जन्मदिन की बधाइयां नहीं दी, जैसे कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल। लेकिन अमित शाह के जन्मदिन पर किसी के कलेजे में बहुत आग लगी हुई थी। जिसके कलेजे में आग लगी हुई थी उनका नाम है राणा आयुब। पेशे से जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने किताब भी लिखी थी गुजरात फाइल्स के नाम से, जिसमें गुजरात दंगों और इनकाउंटर के बारे में कई मनगढ़ंत कहानियां लिखी गई हैं। खैर, किताब पर हम बाद में बात करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं राणा आयुब के सीने की आग के बारे में। अमित शाह के जन्मदिन पर राणा आयुब जख्मी नागिन की तरह तड़प उठी और जहर उगलने लगी। उन्होंने अमित शाह के जन्मदिन पर एक तस्वीर पोस्ट की। ये तस्वीर थी तहलका मैगजीन के कवर की। उस पर अमित शाह की तस्वीर बनी हुई थी और लिखा था, Why is this man still free? हिंदी में कहें तो ये आदमी अभी तक खुला क्यों घूम रहा है। इस तस्वीर के साथ राणा आयुब ने लिखा कि तुम्हारे बर्थडे पर 9 साल पहले की एक कवर स्टोरी मैं तुम्हें डेडिकेट करती हूँ। हम आपको बता दें कि तहलका मैगजीन ने अमित शाह पर एक कवर स्टोरी पब्लिश की थी साल 2010 में और इसे लिखा था राणा आयुब ने। उस वक्त अमित शाह गुजरात के गृह मंत्री हुआ करते थे। इस आर्टिकल के पब्लिश होने के 2 हफ्ते बाद अमित शाह को गिरफ्तार कर लिया गया था। जब अमित शाह गुजरात के गृह मंत्री थे तो उस वक्त गुजरात में आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति थी। इस दौरान कई आरोपियों के इनकाउंटर भी हुए थे। इनमें से इशरत जहां, सराबुद्दीन, कैसर बी और तुलसी प्रजापति प्रमुख थे। सराबुद्दीन इनकाउंटर को फर्जी इनकाउंटर बताकर अमित शाह को जेल भेज दिया गया था। उस दौरान देश के गृह मंत्री थे पी चिदंबरम। उस दौरान पूरी कांग्रेस पार्टी और मीडिया एक ग्रुप बनाकर गुजरात, नरेंद्र मोदी और अमित शाह से नफरत करने लग गए थे। अमित शाह जेल भेज दिए गए और नरेंद्र मोदी को जेल भेजने की पूरी तैयारी कर ली गई। लेकिन कहते हैं ना, सब दिन होते ना एक समान। समय का चक्र तेजी से घूमा। उधर राणा आयुब और कांग्रेस की नफरत बढ़ती चली गई और इधर नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपनी जगह मजबूत करते गए। अमित शाह हर मामले से बरी हो गए और जेल से बाहर भी आ गए। कांग्रेस सत्ता से बेदखल हुई और नरेंद्र मोदी 2 बार देश के पीएम बने। अमित शाह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के गृह मंत्री बन गए। कभी अमित शाह को जेल भेजने वाले पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम आज खुद जेल की सलाखों के पीछे हैं और राणा आयुब के दिल में वही नफरत बरकरार है। राणा आयुब अभी भी वही फ्रस्ट्रेटेड, जख्मी और नफरत भरी जर्नलिस्ट बनी हुई है। उनके दिल में वही जहर भरा हुआ है। राणा आयुब ने गुजरात फाइल्स की एक किताब लिखी थी जिसमें दंगे और इनकाउंटर का जिक्र था। एक केस में इनकी इस किताब को साक्ष्य बनाकर पेश किया गया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने उसे काल्पनिक कहानियां बताकर कूड़ेदान में फेंक दिया था। राणा आयुब की नफरत आज भी बरकरार है। ये नफरत 2002 से पनप रही है। ये नफरत तब और बढ़ गई जब आतंकियों का गुजरात में इनकाउंटर हुआ। ये नफरत अब और बढ़ चुकी है क्योंकि कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया अमित शाह ने। राणा चाह कर भी अपनी नफरत छुपा नहीं पाती। राणा का बस चले तो वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी को सूली पर चढ़ा दे। लेकिन वो शेर है ना, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। हर ख्वाहिश और हर हसरत कभी पूरी नहीं होती। राणा आयुब की भी ये हसरत और ख्वाहिश अधूरी रह गई, इसीलिए अक्सर वो एक जख्मी नागिन की तरह तड़पती रहती हैं।